देश है कि पूरे देश में आप सब साथियों को पता है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और NDA गठबंधन पूरी मुस्तैदी से हम लोग पूरे देश में 543 लोकसभा सीट पर चुनावी अभियान में हमारे बड़े नेता से लेकर के और स्टेट लीडर इवन कि हमारा जो जिला अध्यक्ष है सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। और आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और उनके नेतृत्व में जो 10 वर्ष में देश का विकास हुआ, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो समाज में जितना भी गरीब शोषित दलित है, उनकी ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने देखा होगा कि 1,40,00,000,000 की आबादी में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश का मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसको जीने का अधिकार है। और उन्होंने अपने कोष से 5,00,000 रुपया दिया और जिससे कि काफ़ी संख्या में पूरे देश में गरीब लोगों का मौत के मुँह से इलाज कराया और बच के निकला। उसी तरह से बहुत सारी स्कीम उन्होंने 10 वर्षों में समझता हूँ 10 करोड़ स्कीम उन्होंने पास किया, जिसे महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था हुई, नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था हुई, किसान को उसके हक दिया गया। तो इस ढंग से पूरे देश में आज के समय में जो चुनाव हो रहा है वह तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पूरे देश की आबादी 75% आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास करता है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है और खास करके बिहार में हमारी पार्टी, हम लोग NDA गठबंधन के साथ हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारा जो जिला संगठन है, हमारा जो प्रखंड संगठन है और हमारा जो दलित सेना का संगठन है, हम लोग बिहार में 40 में 40 सीट पर संगठन की ओर से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। और पूरे देश में 400 पार जो प्रधानमंत्री जी का नारा है और बिहार में 40 में 40 सीट का जो नारा है, मैं समझता हूँ कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सर, एक सवाल इधर है, आप जब केंद्रीय मंत्री थे, आप केंद्रीय मंत्री होने के नाते कई बार रोजगार कैंप लगाया और नौकरियाँ दी, प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में सरकारी नौकरी का मुद्दा क्यों गायब है? क्यों आपकी पार्टी को या BJP को ये नहीं लगता है कि देश के युवाओं को सरकारी नौकरी की जरूरत है? निश्चित रूप से जरूरत है और दिया भी गया और दिया भी जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 1,40,00,000 की आबादी है जी। अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी देना तो संभव नहीं, क्रमशः होगा धीरे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। नहीं, सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितना सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेंगे अगर विपक्ष उसका विरोध करेगा? ओवैसी पर सारा नहीं, नहीं, ओवैसी क्या था, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश और पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें BJP का कहीं कुछ लेना देना नहीं। सर, हाजीपुर चुनाव प्रचार में जा रहा है? हाजीपुर के चुनाव प्रचार में यदि आवश्यकता होगी मुझको बुलाया जाए, मैं पहले भी कहा हूँ, आज से एक महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट है और जहाँ भी जरूरत होगी जो जिसको बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। इवन कि हाजीपुर में भी जरूरत होगी तो वहाँ के लोग मुझको बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। नहीं, 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 नहीं,
नामांकन में चिराग जी आपको नहीं बुलाया, चुनाव प्रचार में आपको बुलाएंगे? अब तो चिराग जी की इच्छा पर है, चिराग क्या करता है नहीं करता है वो समझे, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मैं एक NDA गठबंधन का पार्ट हूँ, मेरा जो कर्तव्य है किसी को बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। नामांकन में तो निमंत्रण दिया गया था? नहीं, नो। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 20 करोड़ की है। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के में रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज दो बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि उनको चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम साथ आशीर्वाद लेते और कहते चलिए उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चिता चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँगा। चलिए, और प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री जी का रोड शो है 12 तारीख को, उसमें कल हम अपने दल के लोगों की बैठक किए थे, हमारे वरिष्ठ सेना से लेकर के पूरा जिला पदाधिकारी और स्टेट के पदाधिकारी थे। 12 तारीख को प्रधानमंत्री का 6 बजे शाम से होगा रोड शो, उसमें हमारे पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता और छोटे से नेता सभी लोग उसमें शिरकत करेंगे। हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे, और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम NDA गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है, मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं NDA गठबंधन के साथ रहूंगा, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज NDA के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज ही मैं लड़नऊ से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, रोज हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात, हम चिराग जी, चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करें? सर 40 नहीं, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही, जो आदमी प्यासा होता है वो जाता है कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए? तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ मैं वहाँ गया। लगातार हाजीपुर को लेकर ये सवाल बिहार के बारे में, आखिरकार आप और चिराग पासवान एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे, कारण क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग NDA का एक अहम हिस्सा है, और NDA के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं, और सभी जगह जितने भी अपने NDA के प्रत्याशी हैं सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं सभी कोई अपने NDA प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं, और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए तीसरे चरण का जब चुनाव जिन उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है, और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए हैं। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था, और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया, नहीं बेचा गया,
तो ये आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया, 22 लोगों ने, उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारे हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा, हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतार रहे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं, चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे? हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में हमने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है, जब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान जी की विचारधारा की पार्टी है, किसी के हिम्मत नहीं है इसके ऊपर कोई सवाल उठा ले। चिराग पासवान के प्रचार में जाइएगा।